समय पे सही इसने हथौड़ा मारा है एंड माय बेस्ट विशेस विद ममता फॉर दिस ब्यूटीफुल यारा द फ्रेंड्स री यूनाइटिंग सून और ऐश मैड का म्यूजिक है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और ममता का मेरा मतलब साथ अभी ये एक दो साल का नहीं है वी आर डूइंग शोज सिंस लास्ट 15-20 इयर्स और हमेशा वो शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी वर्सेटाइल सिंगर मतलब बहुत कम सिंगर है जो अलग अलग स्टाइल में गाते हैं ऐसा नहीं कि ये मुन्नी बदनाम हुई गाती है इसके रोमांटिक गाने सुनो तो उसकी अलग वॉइस है हिप हॉप सुनो रॉक सुनो और फोक सुनो तो शी इज़ ऑल राउंडर एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए एंड मैं चाहूँगा कि ये वन म्यूज़िक डिजिटल जो इन्होंने लॉन्च किया है ओरिजिनल्स वन म्यूज़िक डिजिटल ओरिजिनल्स और अभी ओरिजिनल्स का ज़माना आ गया है क्योंकि फिल्मों में तो ओरिजिनल्स आ नहीं रहे अभी सब हमारे ही गाने पुराने दे रहे हैं सब ये खबर छपवा दो फिर बप्पीदा का इनका सबके गाने वही आ रहे हैं अभी तो ओरिजिनल्स का अभी वक्त आया है और ओरिजिनल्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सब दुआएं करो प्रार्थना करो कि ये वन म्यूज़िक डिजिटल अपने चरम टॉप पे पहुँचे थैंक यू सो मच बिल्कुल मैं पहली बात तो ममता को मैं बधाई देता हूँ यारा जो नाम रखा बिल्कुल उसका मेरा यारा भी बहुत तगड़ा है हम लोग उस ज़माने के फ्रेंड है उस ज़माने के दोस्त थे जिस वक्त हम लोग मतलब 500-600 रुपए चार्ज करते थे और बड़ी खुशी हो रही है इस मुकाम पे उसे जाते हुए देखकर वैसे उनसे कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा करने की लेकिन उनका नाम इतना हुआ है मुन्नी बदनाम हुई और जो यारा जो एल्बम निकला है मेरी तरफ से पूरी फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट ममता धमाल कर दे फाड़ दे छेड़ दे मैं तुम्हारे साथ हूँ और यारा तो है ही और 12 बजे आएगी क्या अभी और पूरे जितने भी यारा से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और गुड लक लव यू थैंक यू आपको अजीब लगेगा बट ये ओवरनाइट हुआ है एक्चुअली ये एक हफ्ते के अंदर ये सब हुआ है शूट हुआ है गाना बना है मिक्सिंग हुआ है एडिटिंग हुआ है और इतना प्यारा गाना अचानक से जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके दिमाग में ये गाना आया उन्होंने अप्रोच किया कि हम ये साथ में बनाते हैं मैं बोला ठीक है चलिए करते हैं इसको और फिर जब बात आई कि कौन कास्ट होगा तो वी वर लाइक के क्योंकि ये स्कूल की स्टोरी हम सोच रहे थे प्लान कर रहे थे तो टिकटॉक के सारे बच्चे हमने प्लान किए कि उनके साथ करेंगे तो इट विल बी समथिंग न्यू तो ऐसे ही ये ख्याल आया एंड हेयर आया जब हम लाइव शोज़ करते हैं तो काफ़ी सारी ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट करती है कि आप मेलो सॉन्ग्स क्यों नहीं गाते हैं मूवीज़ में क्यों नहीं गाते हैं मेलो सॉन्ग्स तो मूवीज़ में काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उनके गाने होते हैं एंड फीमेल गाने बहुत कम होते हैं वैसे भी और मेलो तो और भी कम होते हैं डांस नंबर फिर भी हो जाते हैं एक दो बार तो ये सोच के मैंने सोचा कि डिजिटली बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है आजकल नाउडेज पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट तो सोलो सिंगल्स का मैंने प्लान किया एंड दिस इज़ हाउ कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ अगर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक हम करें डिजिटली जाएं तो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचेंगे और जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डांस नंबर के अलावा मेलो सॉन्ग्स भी गाएं तो उनके लिए आई प्लान दिस थिंग अपने रैप का म्यूजिक करना वेयर आई विल रिलेट टू व्हिच इज मोर सॉफ्टर एंड
or do we get to see more, you know, little peppy numbers also in your, on your channel? See, dance numbers are always close to my heart because unki wajah se meri pehchan hai and meri audience usko like karti hai meri voice mein. So I also enjoy in any party. Aap kabhi bhi jab dance karne ka mood hota hai, to I guess aap item numbers, dance numbers pe hi dance karte hain. So that is a part of me. But uske saath saath jo log mujhse mellow sunna chahte hain aur jo log mujhse request karte hain ki bhai aap kuch melodies gaiye, aapki awaaz mein acha lagta hai, to unke liye maine ye cheez kiya hai. So you want to know about the first part, two lines for the song? Okay, two lines. ये है कि Yaara is about true friends, and it's कहना चाहिए कि it's coming to blow you up. क्योंकि ये एक ऐसी love story है जो I think हमारे parents, उनके parents और जो भी school जाते हैं, I think एक बार उनके संग ये हादसा ज़रूर होता है कि वो जिसको चाहे वो किसी और को चाहते हैं, वो जिसको चाहे वो किसी और को चाहते हैं. और कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी कभी टीचर्स को बड़ा लाइक करते हैं. मेरे साथ भी हुआ है एंड आई गेस काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा. तो ये माइंड में रखते हुए दिस इज़ ऑल अबाउट Yaara, कि इट्स अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप. इट्स नॉट अबाउट कि आप जिसे प्यार करते हैं वो आपको पलट के प्यार करे ही करे. यू शुड गिव देम फ्रीडम, वो जो भी करना चाहें. आप उन्हें प्यार करते हैं तो हमेशा करते रहे. दिस इज़ व्हाट द मैसेज. It's only in the event. Very different. Yeah. I mean, of course, that's also glamorous in its own way. So, you know, tell us about that. You transforming from music to looks to everything. I am just trying myself out. के अलग-अलग अवतार में मैं कैसी दिखती हूँ. So I'm just trying that out. And you all are going to tell me what suits me more. So I'll follow that further. So, Mamta, please introduce your cast जो आपके साथ सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अरिश्वा आए. अरिश्वा खान, शी इज़ अ टिकटॉक स्टार, शी हैज़ अ फैन फॉलोइंग ऑफ 9.4 मिलियन, राइट? आप बहुत ही क्यूट सी बच्ची का रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत ही प्यारी लगने वाली. आप अभी देखेंगे, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे. वुड यू लाइक टू सी समथिंग आपके ऑडियंस को? कैसा लगा? ऑफ कोर्स ममता दी इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, उनके साथ किसको नहीं अच्छा लगेगा काम करके. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड ये बहुत ही स्वीट है, नेचर वाइज डाउन टू अर्थ है. मतलब सेट पे भी रहते तो मस्ती भी करते थे हम, काम भी करते थे, बातें भी करते थे, वीडियोस भी बनाते थे. तो लाइक बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके. एंड इस सॉन्ग के बारे में कहना चाहे तो ये सॉन्ग बहुत प्यारा है. मतलब अभी तक का मेरा फेवरेट हो गया है. मैं डेली सुनती हूँ इस सॉन्ग को. एंड मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये सॉन्ग. इनकी आवाज़ लाइक जादू, फेवरेट है मेरी. तो मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग. एंड इस सॉन्ग में काम किया, कैरेक्टर भी बहुत क्यूट क्यूट से सबके, मेरे मंजुल, जैज और इनका तो लाइक एंड एक्सप्रेशंस, मतलब किलिंग एक्सप्रेशंस है सभी के. बहुत ही प्यारा इन्होंने एक्ट किया है. आप देखें गाना तो आपको पता चलेगा कितना क्यूटनेस से भरी हुई है अरिश्वा. जितना उनके चैनल पे लगती है उससे डबल क्यूट है ये. ये बात सही है, ये बात सही है, राइट? एंड आई वुड लव टू रिक्वेस्ट जैज, ये भी अनदर संभाल. ये जहाँ जाते हैं इसे धमाका ही होता है. सो जैज भी अनदर आर्टिस्ट हैं जो कि टिकटॉक को बिलोंग करते हैं और इनकी भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी. सो इन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया है गाने को, बहुत ही प्यारा रोल है. एंड बाय द वे ही इज़ द वन जो टीचर के पीछे लगे रहते हैं पूरा गाने में. एंड ना तो टीचर मिलती है और जो बेचारी लड़की उनको प्यार करती है उसकी तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. तो आप अपने रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये मेरा फर्स्ट है, तो मुझे कैरेक्टर जैसे पता चला मेरा, मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि ये सब अपने अपने लाइफ में ये कर चुके हैं, मतलब फील कर चुके हैं. ये मैम लाइक सबका क्रश होता है, मैम या लड़की लोग का सर होता है कुछ भी, बट हम लोग लड़कों लोग को जो होता है ना वो मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा है मुझे. सीरियसली जब तुम लोग देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं भी था उस टाइम पर स्कूल लाइफ में. तो बस मैं जैसा वो तब था वही एक्सप्रेशन, वही सब कुछ वैसे ही गया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ममता मैम भी, हम लोग इतनी मस्ती करते थे शूट के वक्त, तो छोड़ देते थे सब मस्ती है. ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था, जो फ्री था, मतलब नेचुरल जो था वही किए. मतलब जो स्कूल लाइफ में जो नेचुरल, जो हम लोग ऐसे देखते हैं मैम ऐसे झटके से कुछ हो जाता है या तो ऐसे देख लेते हैं मैम या कुछ भी, सेम वैसी स्टोरी है. आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको.
बस बहुत मजा आ गया बस शूट करके। मैंने बताया आपको कि स्कूल स्टोरी है एंड टिकटॉक पे ज़्यादातर आई गेस कि जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं टिकटॉक पे, जो फॉलोअर्स होते हैं इनके वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो हमारी स्टोरी डायरेक्टली बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमने ये प्लान किया कि टिकटॉक स्टार्स को लेते हैं इस गाने में। थैंक यू जय, थैंक यू हरीश, थैंक यू सर। ऐसा क्यों किया आपने, मतलब लाइक व्हाट वाज योर कॉन्शियस डिसीजन टू कीप योरसेल्फ अवे? एंड आई थिंक आप देख सकते हैं मैं चेंज ओवर कर रही थी, इट टेक्स टाइम, तो उस वजह से भी दूर थे, प्लस कोई इंटरेस्टिंग उतना अच्छा वर्क था नहीं करने के लिए, तो इसलिए भी नहीं किया। अभी आएगा, कुछ महीनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। कहीं ये बात तो नहीं थी कि जैसे आपने जो गाने गाए थे पहले उसकी वजह से लोगों ने आपको एक जॉनर में फिक्स कर दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको दूर होने की जरूरत थी? नहीं, मैं मुझे कभी नहीं लगता, लोग जिस चीज़ को लाइक करते हैं आई थिंक बॉलीवुड वही उन्हें देता है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि लोग मेरे डांस नंबर्स भी उतना ही पसंद करते हैं जितना मैं लोग पसंद कर रहे हैं। अभी भी फिलहाल मैंने अपने चैनल पे भी कुछ एक कवर सॉन्ग्स डाले थे जो बहुत पीपल आर लाइकिंग इट, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है एक्सपेरिमेंट करके, और मैं कभी भी उससे भागना नहीं चाहती, मैं हमेशा डांस नंबर्स में भी रहना चाहती हूँ। नहीं, बांधते नहीं है लोग, मैंने वही बताया कि जो लोग पसंद करते हैं दे ट्राई टू गिव दैट ओनली टू पीपल, दे डोंट एक्सपेरिमेंट फास्ट, एंड आई एम वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, मतलब तब मैं बहुत न्यू थी और लगातार डांस नंबर्स थे तो पीपल थॉट कि शी इज गुड इन डांस नंबर्स, बट नाउ पीपल आर ट्राइंग कि कुछ डिफरेंट गाने भी ट्राई करें, और अभी कुछ एक मूवीज़ हैं जिसमें मैंने बहुत डिफरेंटली भी गाया है, तो वो भी 3-4 महीने में या नेक्स्ट ईयर तक प्रोबेबली आपको सुनने को मिलेंगे। इस बार मुन्ना बदनाम हो रहे हैं जी, मुन्नी काफ़ी बदनाम हो चुकी है तो इस बार मुन्ना को बदनाम कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा आपको होना चाहिए था उस, मतलब आपके बिना तो ये क्रेज ही कम्प्लीट नहीं होता? बट मैं हूँ उसमें, मैं हूँ मुन्ना बदनाम, सिर्फ नाम बदला है, बट इट इज मी डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा आप गाना सुनेंगे यू आर गोइंग टू लव इट, बल्कि और ज़्यादा पावर पैक्ड है, और ज़्यादा ब्यूटिफुली क्रिएटेड है, और इसमें एक बहुत प्यारा ट्विस्ट है मुन्ना बदनाम में जो मैं आज नहीं रिवील करने वाली हूँ, बट डेफिनेटली श्योरली आपको अक्टूबर तक रिवील हो जाएगा। मैंने परफॉर्मेंस दबंग 2 में किया था सलमान सर के साथ, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बोला इस बार कुछ नया है, द ट्विस्ट इज वेरी बिग एंड वेरी डिफरेंट, यू विल कम टू नो। कुछ आपकी तरफ से गेस्ट अपीयरेंस नहीं है इसमें? नहीं, एक्टिंग से मैं बहुत कतराती हूँ, आप अगर ये गाना भी देखेंगे बड़ी मुश्किल से ये मैंने शॉर्ट्स किए टीचर वाले इन लोगों से सीखा नहीं, हमें तो नहीं लगा ऐसा, तुम लोगों से सीखा, जैज ने मुझे सिखाया, मुझे टिकटॉक चलाना नहीं आता, जैज ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया डिलीट मारो इसे आपने क्या किया है, देन ही टॉट मी अ बिट ऑफ टिकटॉक, तो आई एम रियली बैड इन एक्टिंग एंड आई रियली सी पीपल, उनको लाइक फोन में ज्यादा सिस्टम एंड ऑल उनको नहीं आता है, तो मैं उनको हम लोग बताते हैं उनको ऐसे ये करते हैं ऐसे वो करते हैं, तो वो सीख जाएंगे। मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है जो एक्टिंग करते हैं इट्स रियली रियली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज आप जैसे हम गाने में एक्सप्रेस करते हैं ऐसे ये लोग फेस से एक्सप्रेस करते हैं, तो फेस से एक्सप्रेस करना आई थिंक वो ज़्यादा टफ है कि मैं सोचती हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता मुझसे, बट दे एक्सप्रेस इट, सो दैट इज़ रियली अ बिग थिंग अबाउट एक्टिंग। लेकिन आजकल की देखिए युवा लोग मतलब कितनी मेहनत करके और मतलब एकदम से कितना पॉपुलरिटी पा जाते हैं, ये अपने आप में नया इवोल्यूशन है और रिवोल्यूशन है। बट आप मूवीज़ अगर देखेंगे, आप डिजिटली बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई अग्री टू योर पॉइंट, बट अगर आप मूवीज़ में देखेंगे तो अभी भी वही गिने चुने नाम है, अगर मेलो का नाम आता है या आइटम का नाम आता है या डांस नंबर का आता है या सैड सॉन्ग का आता है, तो देर आर लाइक
5 to 6 people जिनका नाम आता है और जिनके गाने आते हैं मूवीज़ में. Newcomers, I think digitally बहुत ज़्यादा talent up आया है, which is a very great thing, क्योंकि कुछ एक लोग तो बहुत ज़्यादा talented है. I personally like some people, so that's a good thing. But Bollywood, I think अभी भी अपना same pattern follow कर रहा है. आप मुझे बताएंगे आप दोनों ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है इसमें क्या अट्रैक्शन है जो मतलब लोग इसको इतना ग्रैब अप कर रहे हैं और लोग इसे इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लाइक लोग और जैसे उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो इंडस्ट्री में जाए, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारा टैलेंट शो कर सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए. तो लोगों को बहुत हेल्प मिलती है लाइक इस ऐप से. ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जहाँ पर लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं. तो वैसे एक टिकटॉक है जहाँ लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा. एंड आई अग्री टू दिस बिकॉज मैंने टिकटॉक ही देखा था जो मैंने जैज़ को मिला, मैंने टिकटॉक देखा था जो मैं हरीश को मिली हूँ, एंड दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट. एफर्ट लगता है एक्चुअली, क्योंकि एक्ट रियल लगना चाहिए. लाइक हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो वो एक्सप्रेशन, वो टाइमिंग, मतलब वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी वीडियो परफेक्ट लगता है. नहीं तो फिर ऐसा लगता है हाँ पब्लिक ऐसे फिर स्वाइप कर लेती है ऐसा, हाँ ठीक है जाने दे. जो अट्रैक्शन वाला वीडियो है उसको मेहनत ही करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कुछ भी ऐसे बना दिए उसको. अगर स्टोरी एंड कंसेप्ट वीडियोज बनाते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, तब जाके वो इतनी अच्छी से बनती है. बट ऐसी हम नॉर्मल जो गाने की बनाते हैं वो जल्दी जल्दी बन जाती है. तो सबकी अलग अलग होती है. हाँ वही तो, ये नहीं करना चाहिए. नहीं रिस्क नहीं, सच में नहीं लेना चाहिए एक्चुअली. जो मतलब अपने खुद के लिए सेफ हो वही चीज़ करो. मतलब ज़्यादा तुम कोई पहाड़ पे चढ़ जा रहा है या तो कोई कैसे भी स्लोमो के लिए या कुछ भी ट्रेंड के लिए कुछ भी करते हैं आजकल के बच्चे, तो ये नहीं करना चाहिए. जो भी सिंपल है अपना, मतलब तुम्हारा जो स्किल है, ऐसा नहीं कि तुम एक्टिंग करो. अगर तुम फिटनेस में हो या तुम फुटबॉल प्लेयर हो, कुछ भी अपना डांस हो, तो ऐसे अलग अलग स्किल के कैटेगरीज होते हैं, उसमें भी तुम लोग वीडियोज़ बना सकते हो. तो उसमें ट्राई करना, ऐसे अलग जो ट्रेंड चल रहा है उसी के पीछे सब भागते हैं, ऐसा नहीं. जो तुम जो वही बताओ, जो तुम्हें वही बताओ. थोड़ा जिम्मेदारी होना चाहिए टिकटॉक बनाते वक्त, कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहिए. बिकॉज अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि लोग जब हमारी वीडियो देखें तो वो भी वही काम करें. अगर हम उनको कुछ गलत दिखाएंगे तो वो लोग वो देखेंगे, वो भी वही गलत काम करेंगे. तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें उससे बचना है. हमें अच्छी वीडियोस बनानी है और एक ऐसी वीडियो स्टोरीज बनानी है जिससे लोग मतलब अच्छी अच्छी स्टोरीज जो लोग फॉलो करें और अच्छे काम करने लगे, लाइक लोगों की हेल्प करें एंड ऑल. बट अगर हम पहाड़ से कूदना, पानी में डूबना, ये सब वीडियो खतरे वाली बनाएंगे तो इससे हमें भी प्रॉब्लम होगी एंड सामने वाला जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी. क्योंकि आप लोग समाज के नए लोगों को इन्वाइट करते हैं तो सेंटीमेंट्स का बहुत, रिलीजियस सेंटीमेंट्स, ये चीज़ें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. हाँ ये तो होना ही चाहिए. मतलब जो कुछ हम लोग बना रहे हैं वो सेंसिबल, मतलब जो कुछ भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वो एक बार मतलब सोच लेना चाहिए समझ के, देख के. सामने वाले का अभी इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, सामने वाले लोग बच्चे जो इन्फ्लुएंस होते हैं मतलब वो देख के भी वही सोचते हैं, फिर उन लोग के माइंड में वही चलता है. तो ये नहीं करना चाहिए. जो हम लोग क्या करने आए, इंटरटेन कर रहे हैं तो इंटरटेन ही करो. मतलब लाइक जो भी स्किल वगैरह है वही सब करो, बाकी ये चीज़ में नहीं करना चाहिए. ममता आपको पता है, ममता इधर ये जो चीज़ है कि अभी बहुत बड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब लोगों की मतलब चीज़ों ने काफ़ी अनकम्फर्टेबल रूट ले लिया था. जैसे अभी एजाज खान भी थे, उन्होंने भी ऐसा कर दिया, फिर चीज़ें और अनकम्फर्टेबल हो गई. यू आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, डू यू थिंक एक्टर्स ये जो मतलब हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस टर्म्स? ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बनती है जब आप कैमरे पे हों, पहली बात. तो दूसरी बात, हर इंडिविजुअल फ्री है, यू कैन नॉट गाइड एनीबॉडी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सबकी अपनी चॉइसेस होती है, तो कुछ लोगों ने अपनी चॉइसेस बनाए. बट आई फील जब भी कुछ भी हम अपलोड करें तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे चेक कर लें अच्छे से और उसके को एंड प्रॉन्स जान लें कि ये किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है. और सबसे पहले हमारे लिए इसका क्या है कि हम जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं उसके लिए हम कितने तत्पर हैं.
तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए कुछ भी अपलोड करना चाहिए। आप इसमें ऐड करना चाहेंगे मुझे, जैसे द केस व्हिच हैपेंड विद द एक्टर, लाइक व्हिच हैज बीन लेकिन एक वेरी सीरियस इम्प्लिकेशंस, इस पे आप कुछ कहोगे? मैं तो यही बोलूँगा, अगर जो हम लोग चीज़ चला रहे टिकटॉक तो सिर्फ इंटरटेन करने के लिए चला रहे, तो वही चीज़ में ध्यान दो। मतलब जो दूसरे चल रहे माहौल में वो चीज़, मतलब लोगों को क्या चाहिए, इंटरटेन चाहिए ना। जब आप तुम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वही चीज़ चाल डालना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ों में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। मतलब अच्छे एग्जांपल्स ऐड करना चाहिए, अच्छे जो होंगे वही। सही बोल रहे हो, आप एकदम सही बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? तो हम जो भी अपलोड कर रहे हैं वो हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि सामने वाले देखें एंड हैप्पी हो। तो ज़रूरी नहीं कि कुछ भी करो, अच्छी चीज़ें करो ताकि लोग देखें और वो भी अच्छा काम करें, एंड बुरी चीज़ें मत करो ताकि सामने वाले भी लाइक वैसे हो जाए। थैंक यू सो मच। आपकी देखो, आपने इतने प्यारी तरह से बोला कि था, exercise your vocal cords, जरा आप इनकी help करिए, swing it in a very way. I'm not well, I'm not well. मैं बहुत पुराना आई। ये जो गाना launch के लिए हम आए हैं, जिस दिन से shoot हो रहा है उस दिन के पहले से जब से मैंने उन्हें audio सुनाया है तब से वो गा रही हैं, गा गा के उन्होंने अपना गला निकाल लिया है। दिस इज द रीजन कि वो बोलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो रही हैं। मुझे बहुत जान लगानी पड़ी है बोलने। तीनों गाएंगे, बिकॉज मैं गाऊंगी तो बहुत बेसुरी हूँ, यहाँ फट जाएंगे सबके कान। नहीं यार, तेरा लाउड होना चाहिए। नहीं, तीनों आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम फाइन। हाय, वन सलाम, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है सर। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हमेशा बढ़िया ही है आप लोग। प्लीज भाई थोड़ा और इधर आ जाइए। एक्चुअली ममता शर्मा एक ऐसा नाम है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स फुल बंडल ऑफ सरप्राइजेज, यू नो, बिकॉज शी हैज़ सिंस द टाइम आई नो हर, और जब से इनके साथ गाने करना चालू किया, मतलब एक कमाल की एनर्जी शी ब्रिंग्स व्हेन शी कम्स टू सिंग। सो और मैं हमेशा इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी गाना गाएं या ये भी गाना गाएं। तो जो भी गाने इन्होंने गाए हैं, मतलब ये ऐसा है कि अभी तक के जितने गाने गाए हैं वो सारी पार्टी की जान है। तो फुल ऑन पार्टी अगर करनी है तो ममता शर्मा के गाने बजाने ही पड़ते हैं आपको। ममता शर्मा के गाने विद साजिद वाजिद पसंद बोल रहे हैं। तो शी इज ब्रिलियंट सिंगर एंड विथ अ वेरी यूनिक टोन स्टाइल, यू नो, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोगों का टोन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज इनका सिंगल लॉन्च हो रहा है वन म्यूजिक ओरिजिनल्स पे विद सच ब्यूटीफुल पीपल, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने गाना देखा है, सुना भी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ममता एंड बैड ऐश, बिकॉज यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने कर रहे हैं। ममता के जो ओरिजिनल्स भी हैं और ममता के जो वर्जन्स भी आते हैं वो सब मैं सुनता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं। एक अच्छी बात है, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर वॉइस इन अ डिफरेंट स्टाइल। सो एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा यही एक्सप्लोर करता है कि मैं कुछ नया करूं तो क्या बात बनेगी। तो बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा सरप्राइज आ रहा है। इनके सिंगल्स तो चलते रहेंगे, उसके साथ साथ दबंग 3 भी आ रही है। तो ममता को मैंने गाना गवाया उसके अंदर, तो वेट एंड वॉच, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, फिर धमाल करेगी, फिर पार्टी की जान बन जाएगी। मैं चाहता हूँ सब लोग मिल के दुआएँ करें कि ममता का ये सिंगल और आप लोगों का ये सिंगल कामयाब हो एंड यू गाइज हैव अ फुल सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने बड़े पैमाने पे बोल दिया कि मैं आऊँगा तो आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल। श्रावण जी इज विद अस। जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो बताना किस तरफ है। One music original. अपना चैनल। क्या बात है।
कुछ कहें सबसे पहले तो मैं ममता जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ नदीम और श्रवण दोनों की तरफ से और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कदम है डिजिटल म्यूज़िक में वैसे ममता जी को तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है इन्होंने अपना नाम खुद बनाया है और इंडस्ट्री में एक बॉम्ब विस्फोट जैसे होता है ऐसे वो विस्फोट की तरह आई हैं और इंडस्ट्री पे छा गई हैं और आज करीब करीब 15-20 साल आज हो चुके हैं और आज भी उसी पावर में हैं ये और आज भी जो है वो आइटम सॉन्ग जहाँ भी बनता है सबसे पहले नाम ममता जी का लिया जाता है वो और बात है कि ममता जी ने अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया है वो हाँ जी वो अब बहुत ज़्यादा गाती नहीं है आइटम नंबर्स लेकिन मैंने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखिए अगर आप आइटम नंबर्स नहीं गाएंगी तो धीरे धीरे आइटम नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे आप देख रहे हैं आजकल की बिल्कुल आइटम नंबर्स बहुत ही कम हो गए हैं तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंटिन्यू रखें और साथ में अपना जो इमोशनल सॉन्ग्स जो हैं सैड सॉन्ग्स जो हैं माँ के लिए जो गाना बनता है फादर के लिए जो गाना बनता है मैं चाहूँगा कि ये ट्रैक भी इनका चलता रहे और आज यारा के लिए मैं उनको नदीम श्रवण दोनों की तरफ से संजीव दर्शन की भी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मुबारकबादी देता हूँ और बहुत आगे बढ़े बस यही दुआ करता हूँ थैंक यू I just saw the song and it's super super amazing and Mamta ji jabhi bhi aati hai magic leke aati hai and she's one of the most versatile and my favorite singer and by the way he is the person jinhone mujhe digital ki duniya mein dhakela hai mera first single jo tha rajraj akhiyar hoya was because of him and inhi ka music tha wo so thank you for that all the thanks भी बहुत अच्छा है उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और मेरी तहे दिल से और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है अभी समीर सेन को दूंगा तो सुनिएगा उनकी बातें मैं ख़त्म कर लूँ तो मेरे ख्याल से आज के इस मौके पे इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है केवल बधाइयों के सिवा मैं और कुछ नहीं दे सकता हूँ मगर मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बहुत बड़ा हिट होना चाहिए एल्बम बहुत मेहनत की है और इस जनरेशन को बहुत पसंद आएगा ये रन और ख़ास तौर से फ्रेंडशिप डेट पे रिलीज किया जा रहा है एक इसके साथ ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ममता गॉड ब्लेस यू एंड दिस इज द वन ऑफ द योर बेस्ट वीडियो आई एम थैंक यू गॉड फॉर वीडियो यू गाइस आर लुकिंग वेरी नाइस ममता यू हैव सन सो वेल एंड यू आर लुकिंग ऑसम एज यूजुअल और कहने के लिए एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बट आई थिंक बड़ा स्पेशल होता है यारी के ऊपर जो गाना होता है ऑलवेज जैसे एक एल्बम आया था यारो दोस्ती केके ने गाया था तो मुझे वो गाना हमेशा बहुत पसंद है और मैं हमेशा केके को और लेस्ली को जब वो गाना सुनता था आई ऑलवेज से दैट नाम भी ढूंढ के रखा है और हरकतों से बिल्कुल बैठ नहीं है इनकी हरकतें देखिए हैं बिल्कुल हमारे और भी कुछ बोल दीजिए ममता जी तो ऑलरेडी लट्टू हुई भी है सारे गाने रेड एश ही करते हैं कोई हमारे नंबर प्राइवेट नंबर ममता जी ने हमारे पास दिए रेड एश के पास ही है नंबर रेड एश ने पहले से लगा रखा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरी और साजिद भाई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई pray to Allah that they have a lot of success in their new venture. Congratulations. कोई भी नहीं इनसे मुन्नी बरनाम गवा लो इनको लता जी की वॉइस में गवा लो आचा जी जैसे गवा लो और ये जो ये इन्होंने एल्बम किया है इतना फ्रेश लग रहा है मेरे और मेरा बेटा साजिद राजेश से हैं मेरा बेटा सुहेल सेन ने बहुत इनको बधाइयाँ दी है समीर सेन और सुहेल सेन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और ये हमारे म्यूजिक कंपोजर बैड एश तो बहुत बहुत मुबारक हो भैया थैंक यू वेरी नाइस सॉन्ग और भाई
मेरे को मालूम नहीं था कि यू आर द कंपोजर. मैंने गाना सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो कॉन्ग्रेचुलेशन और गाना बहुत अच्छा. मैं तो लाइक करूँगा ही. इसका नाम है बड़ा बंदर और इसका है छोटा चूहा. तो इन दोनों के मैंने नाम रखे हैं और ये लोग बहुत ही अच्छे हैं. दो दिन में हम लोग को इतना मजा आया, इतना अच्छे से हमने शूट किया. एंड लग ही नहीं रहा था कि हम शूट करने गए, ऐसा लग रहा है हम घूमने गए हैं. क्योंकि वहाँ पे हम शूट का खेल ज्यादा रहे थे. हमारे जो सीन्स थे क्लासरूम वाले, वहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे थे और सीन चल रहा है. अरे अरे सीन चल रहा है, बुक छुपाई बट से सीन कर रहे थे. इतना मजा किया सीरियसली बहुत मजा आया शूट करके. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. एंड आई होप आउटफिट भी बहुत अच्छा है इसका. एंड सब लोग उतना ही प्यार दे सॉन्ग को जितना आप लोग हम सबको देते हो. बस इतना कहना था. थैंक यू सो मच. अभी अभी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग और बोलेंगे ना सबको जाके कहीं डिस्काउंट. यस, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये सबके लिए. और ये सबको रिलेट करता है स्कूल में तो सबके साथ आता है और उनको पता ही नहीं सीन चल रहा है. और अभी जो ना ये अपने कैरेक्टर में थे. He was like this for at least half an hour. Trust me, मतलब एक ही बंदा था जो एकदम सबसे ज्यादा ध्यान से अपना एक्टिंग कर रहा था. Good student. He was very good student. Happy birthday to you. हर साल बिल्कुल बचपन के फ्रेंड्स, बचपन के यारा हैं जो बम्बई में आके मिले. ये हमारा गाना है जो आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में वापस से. आपको लेट हो गए क्लास में. एक बार और गा के सुना, एक लाइन तो पब्लिक को तुम फ्री में बिता रहे हो. ममता शर्मा का फ्री का शो क्या बात है. चलिए एक बार और. मैं देखूं तुझे किसी और को तू देखे यारा, अब प्यार नहीं होगा मुझसे फिर दोबारा. प्यार तुझे करते हैं हम जी. सामने देखिएगा मैडम जी. ऑल ऑफ यू
Thank you. Wait. Nice. Thank you. They are the big item party songs of the country, and she's coming in such a different attire. Itni beautiful melody, itna kamal ka video, and very, very proud of her. बिल्कुल ही डिफरेंट साइड देखा है हमने. ऐसा लग रहा है कि एक्शन हीरो ने एक जैसे रोमांटिक पिक्चर कर ली हो वैसा ही इनकी एक नया रंग देखा है. एंड व्हाट अ गुड मेलेडी एज अ कंपोजर वी कैन टेल यू दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट मेलेडीज. तभी गाने से हमने शुरू करा कि बिल्कुल रूह से निकली हुई मेलेडी है. और यंगस्टर्स जो स्कूल में इन्होंने शूट करा है वेरी नाइसली डन. बड़ी मेच्योर कॉम्पोजिशन में यंगस्टर्स दिखाए हैं तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंशिएटर. बहुत अच्छा लगा. नहीं तो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एकदम लास्ट मिनट होती हैं. बहुत ज़्यादा जो प्लानिंग होती है वो किसी काम नहीं आती. सो दैट्स रियली गुड. और वो दिख रहा है कि कितना उसमें दिल से बनाई गई चीज़ है. एंड वेरी गुड फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक. इतना ज़बरदस्त काम आ रहा है. एंड सच लवली यंगस्टर्स इन द वीडियो. देर लुकिंग वेरी नाइस ऑल थ्री ऑफ देम. शोर शॉर्ट ब्लॉकबस्टर गाना है. और जहाँ तक स्पीड का सवाल है एक हफ्ते का सवाल है. हम लोग ग्वालियर से हैं और हमें मालूम है ग्वालियर वालों की स्पीड बहुत फास्ट है. तो करेक्ट टाइमिंग है. एक हफ्ते में ही ऐसा माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट बनना चाहिए. और नई चीज है वो मेरी मेलेडी गा रहे हैं और मैं कल से उनके नया सॉन्ग गा रही हूँ. जरूरी जो अभी रिलीज हुआ हमारा एमबी म्यूजिक पे अभी रिलीज हुआ है गाना जरूरी है पापुन के साथ. और मैं कल से गा रही हूँ. और अभी इन्होंने जब मुझसे गाना पूछा मैं मेरे गाने का लिरिक्स भूल के इनके गाने का लिरिक्स गा रही थी. और कमाल की बात यह है कि हम लोग भी मोस्टली पार्टी सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं. बेबी डॉल चिटियां गलाइयां और हम लोग सब अभी रोमांटिक गानों में. ममता ने इतना अच्छा एक रोमांटिक गाना गाया और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी. वो आई मिस यू देख के जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए मेरे आंखों में आंसू आ गए. हीरो का दिल तोड़ा बहुत बुरा लगा मुझे. और सिर्फ एक बात का बहुत दुख हुआ है. एक बात का बहुत गम है. एक सबसे सैड बात ये कि मुझे जब मैं स्कूल में था मेरी कोई इतनी हॉट टीचर नहीं थी. तो ये मंजुल जयाज एंड अशरीफा वेरी लकी दैट दे हैव सच अ हॉट टीचर इन द वीडियो. Thank you so much, Parul ji. Thank you so much for this. And I would just say she's very down to work. And unke saath kaam karke mujhe bahut acha laga. And I hope ki hum log fir se kaam karenge. So as a team, aap log kaise the set pe? Is baar Rit ke saath bhi. Gang hoga is baar school ka. Sure. Mr. Audio, pehle batao the set mein hum char student hote the. Yeah, exactly. That's what I'm saying. So, kaise log team ke saath kaam पूरी टीम के साथ सी. ममता मैम के बारे में बोल दिया. रिश्वा के बारे में बोलूंगा. ये छोटी सी है, चुलबुली सी है, मस्ती करती रहती है, बच्ची है बेसिकली. शी इज अ किड. वो उसे अच्छा रोल मिला कि स्कूल किड का रोल मिला. और अपना जायज भाई जो है अपना पूरा स्टेप दिखाया है उसमें. बहुत बढ़िया टाइप बैड बॉय टाइप जो कि वो असलियत में नहीं है ये. सो बहुत अच्छा लगा मेरे को दोनों के साथ काम करके. एंड हम इस बार अब नेक्स्ट चीज सबकी आनी चाहिए एक साथ में. बिल्कुल भी नहीं. मेरे मुझे बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई. मुझे भी पता है कि एक हफ्ते के अंदर और इतना शॉर्ट नोटिस पे आई थिंक जैज ने गाना सुना भी नहीं था. एंड मंजुल को रात को गाना मिला था. नेक्स्ट डे आई लाइक फ्लू टू इंदौर. हाँ. एंड ही वाज सो स्वीट. ही वाज कमिंग फॉर वन डे शूट. हमने दो दिन शूट करना था. तो फिर थोड़े दो घंटे बाद फोन आता. नहीं मैं दोनों दिन करूंगा. फिर थोड़ी देर बाद फोन आता. नहीं मैं पूरे क्रू के संग ही जाऊंगा. सो आई वाज लाइक सो वेरी हैप्पी कि दीस पीपल आर सो स्वीट एंड नाइस टू वर्क विद. एक एक टेक में इनका टेक डाउन हो जा रहा था. सबसे ज्यादा रीटेक मेरा ही हो रहा था. सो आई वाज लाइक सो वेरी हैप्पी टू हैव दिस टीम विद मी. सीरियसली आई लव्ड वर्किंग विद दीस गाइस. बहुत ही प्यारे हैं. क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को?
और मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी डिफिकल्टी नहीं होता है अगर दे अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के पीछे की जो मैडनेस होती है वो आई थिंक हम सभी में थी. हम लोग सब मेकिंग आएगा बहुत जल्दी, यू कैन वॉच इट कि कितना हमने वहाँ पे तंग किया है हमारे प्रोड्यूसर साहब को, हमारे डायरेक्टर साहब को. एंड बाय द वे डायरेक्टर साहब वो हैं जो लास्ट शॉट में आते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और एक्टर बचा नहीं था, कोई भी नहीं था. रिच होती तो रिच को कैप पहन के बट हमारे पास डायरेक्टर साहब ही बचे थे जो बेचारे कैप पहन के आए हैं और गले लगाए हैं. आई वुड लव टू कॉल हिम आल्सो डायरेक्टर साहब. सो बहुत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई एंड आई डोंट थिंक किसी के संग दिक्कत होती है. द प्रोजेक्ट इज गुड इफ एवरीवन इज सो पॉजिटिव अबाउट द प्रोजेक्ट. बॉलीवुड को रणबीर और रणवीर मिल चुके हैं आज लगभग डेफिनेटली, और टिकटॉक को मंजुला और जैज मिल चुके हैं और आशीर्वाद जी दीपिका नहीं हाइट में आलिया हो सकती है. दीपिका तो ये हाइट में तो दीपिका इज हियर. ओके थैंक यू, थैंक यू. जी 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 यही बोल रहा था, बोले मैम जरा घूम जाओ, मैम जरा दुपट्टा उठाओ. ही वॉज देयर ओनली, ही वॉज थिंकिंग आई एम सुष्मिता से. नहीं सर देखो आके खोलो चश्मे में, कभी फ्रेम भी लगा लो इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था. Yes, definitely. We are planning two more good dance number videos and one sad romantic song again. So you are going to get very, very good numbers for sure. And very good stories along with it. For sure. Thank you so very much. Thank you.